Good morning class. This is our new ENA physio class in which today we will study about the remaining portion of GI physiology of GI system. Actually, in our previous class we started this chapter and we studied about the mouth physiology and the salivary functions, है ना? हमने सलाइवा के सारे फंक्शंस बहुत डिटेल में पढ़े थे, माउथ की फिजियोलॉजी अच्छे से डिटेल में पढ़ी थी. आज की क्लास में हम रिमेनिंग पोर्शन उस फिजियोलॉजी का पढ़ेंगे जिसमें टॉपिक है फंक्शंस ऑफ स्टमक. स्टमक के फंक्शंस, ये पांच फंक्शन होते हैं स्टमक के, मैकेनिकल, डाइजेसिव, प्रोटेक्टिव, हीमोपोएटिक और एक्सक्रीटरी फंक्शंस. ये पाँच फंक्शंस स्टमक करता है. मैकेनिकल फंक्शंस वगैरह में तो वो क्या कर रहा होता है भाई, मैकेनिकली चीज़ों को बनाने का काम ये कर रहा होता है. डाइजेसिव में डाइजेशन का फंक्शन, जैसे आप जानते हो पेप्सिन, रेनिन वगैरह एंजाइम्स पाए जा रहे होते हैं, उनका वो क्या कर रहे होते हैं, फूड का डाइजेशन कर रहे होते हैं. प्रोटीन का मेन डाइजेशन चलता है, जबकि मैकेनिकल में ये जो काइम बनता है वो मैकेनिकल के अंदर आता है. काइम वो फूड है जो डाइजेस्टेड फूड है जो कि स्टमक में डाइजेस्ट होता है. कौन सा फूड, जो बोलस आया था माउथ और ईसोफेगस से, जो बोलस आया था वो स्टमक में डाइजेस्ट होगा, जिसको आप क्या कहते हैं बाद में, काइम कहते हैं. प्रोटेक्शन का भी काम कर रहा होता है, जैसे HCL वगैरह जो स्टमक में रहता है वो आपकी म्यूकोसा लेयर को डैमेज ना कर दे, क्योंकि अगर HCL ज़्यादा हो जाता है, HCL ज़्यादा वहाँ मौजूद रहता है तो स्टमक की जो म्यूकस लेयर है, कवरिंग है, वो डैमेज हो जाती है. और इसको हम क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर. इस कंडीशन को हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं. तो पेप्टिक अल्सर जैसी चीज़ों से बचाने का काम भी स्टमक करता है. हीमोपोएटिक फंक्शन भी चलता है और एक्सक्रीटरी फंक्शन भी चलता है. तो इन पाँचों फंक्शंस को अब अपन डिटेल में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले है मैकेनिकल फंक्शन. मैकेनिकल फंक्शन में पहला फंक्शन होता है स्टोरेज का फंक्शन और दूसरा है काइम का फॉर्मेशन. स्टोरेज फंक्शन में फूड स्टमक में लंबे समय तक स्टोर रहता है, लगभग 3 से 4 घंटे तक, और उसके बाद वो धीरे धीरे इंटेस्टाइन में, उसके बाद क्या मतलब, वो साथ साथ में जैसे जैसे डाइजेस्ट होता जाता है धीरे धीरे इंटेस्टाइन के अंदर वो एम्प्टी होता रहता है. तो 3-4 घंटे तक वो स्टमक में पड़ा रहता है. यानी स्टमक का क्या फंक्शन है, स्टोरेज का फंक्शन. मैक्सिमम कैपेसिटी स्टमक की 1.5 लीटर तक वो फूड को स्टोर करता रहता है और धीरे धीरे उसको एम्प्टी करता रहता है, ताकि उस फूड के डाइजेशन को प्रॉपर टाइम मिल सके, प्रॉपर उसका डाइजेशन हो सके, और फिर वो फूड सबस्टेंस धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो उसमें प्रॉपर उसका एब्जॉर्प्शन हो सके. इसलिए स्टमक जो है वो स्टोरेज का फंक्शन उसका होता है. ये पहला मैकेनिकल फंक्शन है. दूसरा मैंने कहा कि काइम का फॉर्मेशन. काइम डाइजेस्टेड फूड है स्टमक का. पैरास्टैटिक मूवमेंट के थ्रू, स्टमक का जो पैरास्टैटिक मूवमेंट है उसके थ्रू वो बोलस को गैस्ट्रिक जूस के साथ में मिक्स करता है. बोलस जो मुंह से आया था उस बोलस को गैस्ट्रिक जूस के साथ में मिक्स करता है, उसको सेमी सॉलिड मटेरियल में कन्वर्ट करता है, जिसको आप क्या कहते हैं, काइम कहते हैं. तो काइम का फॉर्मेशन चलता है, ये भी स्टमक का एक मैकेनिकल फंक्शन है. और फिर ये काइम जो है धीरे धीरे इंटेस्टाइन में रिलीज होगा. तो ये फर्स्ट फंक्शन स्टमक का. नेक्स्ट सेकंड फंक्शन डाइजेसिव फंक्शन. गैस्ट्रिक जूस जो स्टमक में पाया जाता है वो मेनली प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है, यानी प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं जैसे पेप्सिन और रेनिन. फिर ये गैस्ट्रिक जूस के अंदर इन पेप्सिन और रेनिन जैसे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स के अलावा भी कुछ एंजाइम जैसे गैस्ट्रिक लाइपेज, जिलेटिनेज, यूरेज, गैस्ट्रिक अमाइलेज जैसे एंजाइम्स पाए जाते हैं. प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स तो प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे, गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम ऑब्वियसली लिपिड का डाइजेशन करेंगे. अब एक लाइपेज एंजाइम आप गैस्ट्रिक में पढ़ते हैं, एक पैनक्रियाज में पढ़ते हैं, दोनों लिपिड का डाइजेशन कर रहे होते हैं. इनको और डिटेल में देखते हैं अपन. अब पेप्सिन जो प्रोटियोलाइटिक फंक्शन करता है, ये इनएक्टिव पेप्सिनोजन के रूप में सीक्रेट होगा. फिर स्टमक के HCL की वजह से ये पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, क्योंकि ऑप्टिमम pH चाहिए होती है बिलो 6 इस पेप्सिनोजन को एक्टिवेट होने में, तो एक्टिवेट होकर के पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा. दूसरा पेप्सिन का एक्शन क्या है,
कि ये प्रोटीन को प्रोटीओज़ में, पैप्टोन्स में, पॉलीपेप्टाइड्स में और पैप्सिन में कन्वर्ट करता है। पैप्सिन का क्या एक्शन होता है? पहला तो पैप्सिन बना कहाँ से? पैप्सिनोजन से बना। जब बिलो 6 पीएच होती है तो ये इसकी ऑप्टिमम पीएच होती है, तो उसमें पैप्सिनोजन जो कि एक इनएक्टिव एंजाइम है वो एक्टिवेट होकर के पैप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये पैप्सिन प्रोटीन को प्रोटीओज़ पैप्टोन्स पॉलीपेप्टाइड्स और पैप्सिन में कन्वर्ट करेगा और मिल्क की कर्डलिंग और डाइजेशन भी करता है। मिल्क के अंदर केसीन प्रोटीन पाया जाता है तो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, तो कर्डलिंग और मिल्क का डाइजेशन चलेगा। नेक्स्ट एंजाइम जो मैंने बताया गैस्ट्रिक लाइपेज, ये वीक लाइपोलाइटिक एंजाइम होता है, यानी लिपिड को तोड़ता है पर वीकली तोड़ता है। किसके कंपैरिजन में? पैनक्रियाटिक लाइपेज के कंपैरिजन में। पैनक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम कहाँ पाया जाएगा? ड्यूडेनम में, पैनक्रियाज में बनेगा, पैनक्रियाज से रिलीज होएगा सीधा ड्यूडेनम में। ये मैंने पहले आपको पढ़ा रखा है, पहले की क्लास में बता दिया मैंने आपको। तो उसके कंपैरिजन में ये वीक लाइपोलाइटिक एंजाइम होता है, पर ये करता है लाइपोलाइसिस, तो करता है, चाहे वीकली कर रहा होगा पर करता है। ये केवल 4 से 5 पीएच पर ही एक्टिव होता है, उससे ज़्यादा पीएच पे भी इनएक्टिव हो जाता है, और उससे कम पीएच 2.5 से भी कम पीएच होती है तो वैसे ये इनएक्टिव हो जाएगा। तो ये 4 to 5 पीएच पर एक्टिव रहता है। अब थर्ड फंक्शन है प्रोटेक्टिव फंक्शन। तो प्रोटेक्टिव फंक्शन मैंने आपको बताया, म्यूकस एक म्यूकोप्रोटीन होता है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड की म्यूकस नेक सेल से सीक्रेट होता है और स्टमक के फंडस बॉडी और दूसरे पार्ट की जो सरफेस म्यूकस सेल्स है वहाँ से भी रिलीज होगा। ये गैस्ट्रिक वॉल को बचाने का काम करता है ये म्यूकस। कैसे? देखिए, म्यूकस स्टमक वॉल को मैकेनिकल इंजरी की इरिटेशन से बचाता है। डाइजेसिव एक्शन जो पेप्सिन का होता है स्टमक की वॉल के ऊपर, उस डाइजेसिव एक्शन से भी बचाता है। पर्टिकुलरली गैस्ट्रिक म्यूकोसा पर जो ये अपना असर दिखा रहा होता है, प्रिवेंट्स द डाइजेसिव एक्शन ऑफ पेप्सिन ऑन द वॉल ऑफ स्टमक, पर्टिकुलरली गैस्ट्रिक म्यूकोसा, कि भाई ये पेप्सिन जो है स्टमक की ही वॉल पे अपना डाइजेसिव एक्शन ना दिखा दे, स्पेशली गैस्ट्रिक म्यूकोसा को ही डाइजेस्ट ना कर दे, उससे भी ये बचाता है। और तीसरा, गैस्ट्रिक म्यूकोसा को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भी बचाता है। गैस्ट्रिक जूस की जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उससे ये बचाएगा, क्योंकि एल्कलाइन नेचर का होता है तो उसको एल्कलाइनाइज कर देगा। एल्कलाइनाइज करते ही वो डैमेज नहीं होती है गैस्ट्रिक म्यूकोसा, नहीं तो मैंने आपको बताया गैस्ट्रिक म्यूकोसा डैमेज होते ही पैप्टिक अल्सर कॉज हो जाएगा, तो पैप्टिक अल्सर से भी बचाता है। तो अगर ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म सही नहीं चलता ना, स्टमक का एससीएल बहुत ज़्यादा हो जाता तो उस समय पैप्टिक अल्सर हो जाते हैं लोगों को जो खट्टा तीखा खा रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा पिकल्स अगर आप खा रहे हो, बहुत तीखा खा रहे होते हो, तो उस समय बेचारे इसका डिफेंस मैकेनिज्म जो है गैस्ट्रिक म्यूकोसा का वो डिस्टर्ब हो जाता है, और एससीएल तो वहाँ पे मौजूद है ही, तो एससीएल उसको डैमेज कर देगा, पेप्टिक अल्सर कॉज कर देता है। नेक्स्ट फंक्शन है हीमोपोएटिक फंक्शन। हीमोपोएटिक फंक्शन में क्या होता है भाई? कैस्ट्रल के इंट्रेंसिक फैक्टर जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड की पैराइटल सेल से सीक्रेट होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड की पैराइटल सेल से सीक्रेट होते हैं कैस्ट्रल के इंट्रेंसिक फैक्टर, ये हीमोपोएटिक फंक्शन करते हैं। प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इराइथ्रोपोइसिस। इराइथ्रोपोइसिस मतलब आरबीसी का फॉर्मेशन, तो आरबीसी का फॉर्मेशन यानी ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे, इराइथ्रोसाइट्स का फॉर्मेशन करते हैं, इराइथ्रोपोइसिस का फंक्शन कर रहे होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड की पैराइटल सेल से सीक्रेट होने वाले इंट्रेंसिक फैक्टर। प्लस ये विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो है विटामिन B12, ये भी मैं आपको फंक्शन बता चुकी हूँ, जो GI ट्रैक्ट से ब्लड के अंदर रिलीज होते हैं, वो ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर वो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होते हैं। तीसरा, विटामिन B12 फिर क्या करता है? ये इराइथ्रोपोइसिस के दौरान मैच्यूरेशन फैक्टर का काम करता है, कि जो एरिथ्रोपोइसिस से आरबीसी बन रही है उसको मैच्योर करेगा विटामिन B12। तो B12 किससे, B12 का एब्जॉर्प्शन किससे हो रहा होता है? ये जो इंट्रेंसिक एक्सट्रेंसिक फैक्टर रिलीज हो रहे हैं GI ट्रैक्ट के पैराइटल सेल से।
ये इंट्रेंसिक फैक्टर अगर गैस्ट्रिक जूस में एब्सेंट होंगे तो विटामिन B12 की भी डेफिशिएंसी हो जाएगी और उससे एक बीमारी लोगों को होती है जिसको आप कहते हैं परनीशियस एनीमिया, खून की कमी आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? क्योंकि RBC बन रही पर वो मैच्योर नहीं हो पाती अगर विटामिन B12 प्रेजेंट नहीं है। और विटामिन B12 आप खाने में कितना भी खा लो अगर वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, देखिए एक पॉइंट सुनिए अच्छे से ध्यान से, कि एक होता है कि विटामिन B12 आप खाने में खा ही नहीं रहे हो तो उससे परनीशियस एनीमिया कॉज होता है। दूसरा, जरूरी नहीं है कि हर बार फूड डेफिशिएंसी से ही हो रहा हो, सकता है आप डाइट में ले रहे होंगे प्रॉपर, पर अगर वो एब्जॉर्ब प्रॉपर नहीं हो रहा, क्योंकि उसके एब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रेंसिक फैक्टर चाहिए होते हैं, वो इंट्रेंसिक फैक्टर अगर आपकी बॉडी में मौजूद नहीं है तब भी आपका वो विटामिन B12 आपकी बॉडी को नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा मतलब वो अपना रोल नहीं कर पाएगा। और क्या रोल कर रहा है वो? वो RBC का मैच्योरेशन कर रहा है, तो RBC मैच्योर नहीं हो पाती है। तो नहीं हो पा रही तो इमेच्योर RBC हमारे कोई काम की नहीं होती, इसका मतलब RBC का नंबर कम हो गया हमारी बॉडी में। और RBC की कमी को ही अपन एनीमिया कहते हैं, विटामिन B12 की कमी से हो रहा है इसलिए इसको परनीशियस एनीमिया हम कहते हैं। लास्ट स्टमक का फंक्शन है एक्सक्रीटरी फंक्शन। अब बहुत सारे सबस्टांसेस जैसे टॉक्सिन्स, एल्केलॉइड्स, मेटल्स, ये सब के सब गैस्ट्रिक जूस से एक्सक्रीट आउट होते हैं। तो ये एक्सक्रीटरी फंक्शन हो गया कि गैस्ट्रिक जूस के द्वारा बहुत सारे सबस्टांसेस जैसे टॉक्सिन्स, एल्केलॉइड्स, मेटल्स वगैरह एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो ये एक्सक्रीशन का फंक्शन है। तो ये 5 फंक्शंस होते हैं स्टमक के, कि वो मैकेनिकल फंक्शन करता है काइम वगैरह को बना करके, वो प्रोटेक्शन वो डाइजेशन का, सेकेंड डाइजेशन का फंक्शन था, वो डाइजेशन का फंक्शन कर रहा होता है। प्रोटीन का मेन डाइजेशन होता है, थोड़ा बहुत लिपिड का भी डाइजेशन होता है, हालांकि वीक लाइपोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं पर फिर भी होता है। तो डाइजेशन का फंक्शन करता है। तीसरा, प्रोटेक्शन का फंक्शन कर रहा है, म्यूकोसा वगैरह को बचा रहा होता है, तो प्रोटेक्शन का फंक्शन देता कर रहा होता है। चौथा, हमने हीमोपोएटिक फंक्शन पढ़ा कि इराइथ्रोपोइसिस करेगा यानी RBC को बनाएगा। अगर इसकी कमी, अगर ये स्टमक फंक्शन सही ना करे तो क्या हो जाएगा? RBC बनेगी ही नहीं, मैच्योर नहीं होगी, एक्चुअली बन तो जाएगी, तो उससे जो बीमारी होगी उसको आप क्या कहेंगे? परनीशियस एनीमिया। लास्ट फंक्शन है एक्सक्रीटरी फंक्शन। तो टॉक्सिक एल्केलॉइड्स और मेटल जैसे सबस्टांसेस को स्टमक जो अपने गैस्ट्रिक जूस के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर देता है। अब फंक्शन तो हो गए स्टमक के, तब इसके और डिटेल में फिजियोलॉजी पढ़ते हैं अपन, गैस्ट्रिक जूस पढ़ते हैं जो स्टमक में पाया जाता है, इसकी प्रॉपर्टी, इसके कंपोजिशन। तो देखिए गैस्ट्रिक जूस 1200 ml पर डे से लेकर 1500 ml पर डे तक गैस्ट्रिक जूस जो है वो रिलीज होता रहता है, बनता रहता है, जो कि एसिडिक नेचर का होता है। लगभग 0.9 से 1.2 इसकी एसिडिटी जो है देखने को मिल रही है। और ये एसिडिटी क्यों होती है? HCl की प्रेजेंस की वजह से। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.002 से 1.004 होती है। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर के कंपैरिजन में देखी जाती है। तो ये प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन है गैस्ट्रिक जूस के। नेक्स्ट जूस है पेनक्रियाटिक जूस। 500 से 800 ml पर डे ये जूस बनता है। रिएक्शन हाईली अल्कलाइन नेचर का होता है। 8 to 8.3 इसकी pH होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.010 से लेकर 1.018 तक इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। अब पेनक्रियाटिक जूस के फंक्शंस देखिए भाई, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस के डाइजेस्टिव फंक्शन है जो अपन ने पढ़ लिए थे, अब पेनक्रियाटिक जूसेस के देख लीजिए। मेन दो फंक्शन करता है, एक तो डाइजेशन का मेन इसका फंक्शन है और दूसरा न्यूट्रलाइजिंग का फंक्शन है। दो फंक्शन कर रहा है पेनक्रियाटिक जूस, डाइजेस्टिव एंड न्यूट्रलाइजिंग फंक्शन। डाइजेस्टिव में ये प्रोटीन, कार्ब और लिपिड को डाइजेस्ट करता है। प्रोटीन का डाइजेशन मेजर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, न्यूक्लिएजेस, इलास्टेज, कोलाजिनेज, ये सारे एंजाइम्स जो है वो पेनक्रियाटिक जूस के अंदर पाए जाते हैं। तो इन एंजाइम्स के थ्रू वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है।
दूसरा जो ट्रिप्सन और काइमोट्रिप्सन की हम बात कर रहे हैं, ट्रिप्सन ये एक पॉलीपेप्टाइड होता है, इसमें 229 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। ये इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन के फॉर्म में सीक्रेट होता है और बाद में एक्टिवेट होकर के ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है एंटीरोकाइनेज एंजाइम के द्वारा। और ये एंटीरोकाइनेज एंजाइम ड्यूडेनल म्यूकस मेम्ब्रेन की बॉर्डर्ड सेल से, जो ब्रश बॉर्डर्ड सेल्स होती हैं वहाँ से ये एंटीरोकाइनेज ड्यूडेनल म्यूकस मेम्ब्रेन, ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए, याद करिए, समझने की कोशिश करिए, ड्यूडेनल म्यूकस मेम्ब्रेन की ब्रश बॉर्डर्ड सेल से एंटीरोकाइनेज रिलीज होता है, जो कि इनएक्टिवेटेड ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, जो कि एक पॉलीपेप्टाइड होता है। फिर ये ट्रिप्सिन एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है, यानी प्रोटीन को तोड़ेगा, मिल्क की कर्डलिंग करेगा, क्योंकि ये कैसिनोजन को कैसीन में कन्वर्ट कर देता है, और ये ब्लड क्लॉटिंग को एक्सेलरेट करता है, बढ़ाता है ब्लड क्लॉटिंग को। बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है ये ट्रिप्सिन, ये ब्लड क्लॉटिंग में रोल होता है। दूसरा एंजाइम है काइमोट्रिप्सिन, ये भी एक इनएक्टिव फॉर्म है काइमोट्रिप्सिनोजन, जो कि कन्वर्ट होगा काइमोट्रिप्सिन के अंदर, क्योंकि काइमोट्रिप्सिन एंजाइम और ये रिलीज हो रहा है या सीक्रेट हो रहा है काइमोट्रिप्सिनोजन, जो कि एक इनएक्टिव फॉर्म है इसकी। और फिर ये काइमोट्रिप्सिन अपनी एक्टिव फॉर्म काइमोट्रिप्सिन ट्रिप्सिनोजन काइमोट्रिप्सिन में, और काइमोट्रिप्सिन फिर ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। काइमोट्रिप्सिन ये भी प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है, यानी प्रोटीन को तोड़ रहा है ये। इसके अलावा कैसिनोजन को भी ये डाइजेस्ट करता है, ट्रिप्सिन के कंपैरिजन में काफ़ी फास्ट ये डाइजेस्ट करता है, कैसिनोजन को केसिन में कन्वर्ट कर देगा, पर इसका कोई ब्लड क्लॉटिंग में रोल नहीं होता। केवल दो रोल है, प्रोटीन को तोड़ेगा और कैसिनोजन को डाइजेस्ट करेगा। तो ये ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन है। अब लिपिड का डाइजेशन भी हमने कहा कि भाई हो रहा होता है, तो पैनक्रियाटिक लाइपेज मेनली इसका डाइजेशन करता है, हालांकि गैस्ट्रिक लाइपेज भी होता है जो इसका डाइजेशन करता है, पर पैनक्रियाटिक लाइपेज एक पावरफुल लाइपोलाइटिक एंजाइम होता है। ये ट्राइग्लिसराइड को मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। ये पैनक्रियाटिक लाइपेज की एक्टिविटी जो है वो बाइल की प्रेजेंस से और ज़्यादा बढ़ जाती है। फैट का डाइजेशन इसी पैनक्रियाटिक लाइपेज की वजह से होता है, पर उसके लिए दो फैक्टर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, पहला बाइल सॉल्ट और दूसरा कॉलीपेज। बाइल सॉल्ट फैट का एमल्सिफिकेशन करता है, उसका डाइजेशन होने से पहले पहले एमल्सिफिकेशन होगा, यानी लार्ज फैट के मॉलिक्यूल सिंपल फैट के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होंगे, और फिर उसका डाइजेशन होगा इस लाइपेज एंजाइम के द्वारा। और कोलाइपेज ये एक को एंजाइम होता है पैनक्रियाटिक लाइपेज के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो डाइट्री लिपिड को डाइजेस्ट कर सके। लगभग 80% जो फैट होता है वो पैनक्रियाटिक लाइपेज के द्वारा डाइजेस्ट होता है। इस एंजाइम की डेफिशिएंसी या एब्सेंस हो जाए तो फैट बिना डाइजेस्ट हुए ही स्टूल में पास हो जाएगा। कोलाइपेज, आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में, मैम ने आपको प्रोटीन का चैप्टर पढ़ा दिया होगा, तो उस चैप्टर के अंदर आप लोगों ने एंजाइम नाम का एक टॉपिक पढ़ा होगा, थोड़ा याद करिए उसको। मैं क्यों याद करने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि एंजाइम के अंदर आपने एंजाइम और कोएंजाइम पढ़े। कोएंजाइम क्या होते हैं? नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाने का काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ ये कोलाइपेज भी एक कोएंजाइम ही है, जो कि डाइट्री लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज को ज़रूरत होती है। लाइपेज इसके बिना ढंग से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, अकेला वर्क नहीं करता ये लाइपेज, इसको कोलाइपेज के रिक्वायरमेंट है ताकि वो डाइट्री लिपिड को डाइजेस्ट कर सके। 80% जो पैनक्रियाटिक लाइपेज होता है वो फैट को डाइजेस्ट कर लेता है, और अगर इस एंजाइम की, इस कोलाइपेज की कमी आ जाए तो लाइपेज अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा, तो लिपिड जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, अनडाइजेस्टेड ही वो स्टूल में पास हो जाएगा। इस कंडीशन को अपन कहते हैं स्टीटोरिया, याद कर लीजिए, ये एक मेडिकल टर्म है। आपको देखने को मिलेगी बहुत सारे लोगों के अंदर, लोग ऐसी शिकायत लेकर के आएंगे, ऐसे पेशेंट्स आएंगे जो कि स्टीटोरिया की शिकायत जिनको हो रही होगी, तो स्टीटोरिया की शिकायत जो है वो कोलाइपेज की वजह से हो रही होती है।
तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी, इमरजेंसी तो वर्ड नहीं बोले अपन, मेडिकल कंडीशन है, इलनेस है एक तरह की, कि स्टूल में फैट जो है वो पास हो रहा होता है, अनडाइजेस्टेड फैट, तब जब कोलाइपेस की कमी आ जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब अपन ने प्रोटीन का डाइजेशन पढ़ लिया, लिपिड का हो गया, अब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन देख लीजिए भाई। पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो है वो एक अमाइलो लाइटिक एंजाइम होता है जो पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाता है। पैनक्रियाटिक अमाइलेज स्टार्च को डेक्सट्रिन और माल्टोज में कन्वर्ट करता है, क्योंकि अमाइलेज है तो स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा, तो स्टार्च को डेक्सट्रिन और माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम पैनक्रियाटिक अमाइलेज करता है। बस तो अपन ने डाइजेशन पढ़ लिया, तीनों फूड का, तीन ही तरह के फूड खाते हैं, तीन तरह के फूड का डाइजेशन होता है, बाकी का डाइजेशन होता नहीं है भाई। विटामिन मिनरल्स वगैरह का तो कोई डाइजेशन वाइजेशन कुछ चल नहीं रहा होता है, तो मेनली इनका जो डाइजेशन चल रहा है, जो मेन फूड है अपने डाइट के, वो होते हैं फैट, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट। और इन तीनों का डाइजेशन किस किस से हो रहा है, कौन कौन से एंजाइम्स और हमारे जीआई के कौन कौन से पार्ट इसका डाइजेशन करते हैं, वो हमने अपनी इस क्लास के अंदर पढ़ लिया है। आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है, आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू क्लास।